नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की इस खास खबर में। सपा की यूथ विंग्स ने खोला योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा। निजीकरण, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी समेत 5 बिंदुओं पर सपाइयों ने योगी सरकार का घेराव किया है। सपाइयों ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया हंगामा, पुलिस कर्मियों से हुई नोकझोंक। सपाइयों ने कलेक्ट्रेट गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा है। हिरंटल के युवा पदाधिकारी मित्र की छात्र सभा मुलायम सिंह ब्रिगेड डोहियावानी और यूथ जनसभा। आज हमारा प्रदेश व्यापी बेरोजगारी, निजीकरण और शिक्षा महंगी के विरोध में, किसान बदहाली के विरोध में प्रदेश व्यापी आज हमारा आंदोलन था और उसमें ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देना था। हमारे सभी यूथ के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। रोज पत्रकारों की हत्या हो रही है, वकीलों की हत्या हो रही है, किसानों की हत्या हो रही है, छात्रों की हत्या हो रही है। दूसरा मुद्दा हमारा महंगी शिक्षा को लेकर, तीसरा मुद्दा बदहाल खेती किसान, सब मुद्दों को लेकर आज माननीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का आदेश पर हमारे यूथ के चारों फ्रंटल सेंटरों ने, चाहे प्रदेश के हो, राष्ट्र के हो, चाहे जिले के हों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय गवर्नर साहब के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए हम यहाँ आए।